पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेश पर आगामी त्योहार और देश में चल रहे सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए प्रत्येक जिले में बलवा ड्रिल की जा रही है। इसका उद्देश्य पुलिस टीम चुस्त दुरुस्त और हर समय तैयार रहे। बलवा ड्रिल के दौरान उपद्रवियों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस दल पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने माइक से चेतावनी दी, लेकिन वे आगे बढ़कर पथराव करते रहे तो गोलियां चलाए और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कुछ घायल हो गए, जिन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। करीब एक घंटे से अधिक समय तक बलवा ड्रिल का अभ्यास पुलिस जवानों ने किया। एसएसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला, एएसपी, सभी सीएसपी, सभी थानों के टीआई, आरआई जयप्रकाश आर्य आदि मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले पुलिस की वार्षिक परेड के दौरान भी बलवा ड्रिल की गई थी। हमारी पुलिस की एक रूटीन एक्सरसाइज है, जब भी किसी ऐसी त्यौहार या इस तरह का जब अवसर आता है, उस दौरान किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए हम एक ये बलवा ड्रिल की तैयारी करते हैं, जिसमें हमारी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो बलवाइयों को डिस्बर्सल किया जाना है और उस पूरी प्रक्रिया का पालन करें, ताकि जब फील्ड में भगवान करें ऐसी अगर स्थिति निर्मित होती है तो उसमें हम उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मिनिमम डैमेज के साथ उस स्थिति को संभाल सके, इसके उद्देश्य से ही ये प्रशिक्षण और ये बलवा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। सर, आपने रॉकेट लॉन्चर भी चलाया है? नहीं, निश्चित तौर पे कई बार ऐसी परिस्थितियाँ स्थिति होती है कि जो सभी हमारे अधिकारी, जो हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं, ये भी इस फील्ड में मौजूद रहते हैं और हम लोग को भी इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। जो सभी राजपत्रित अधिकारी हों, उनसे लेकर मैंने भी इसका अभ्यास किया है।